हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनोज हेम्ब्रम। आप देख सकते हैं MNJ2 देसी एडिटिंग यूट्यूब चैनल। इसमें आज हम लोग सीखेंगे यूट्यूब का लोगो बनाना। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ से मैं लिख दिया हूँ और इससे फ़ॉन्ट को भी इसी तरह से रखना है। कोई सा भी फ़ॉन्ट हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मास्क में क्लिक किए, उसके बाद फिर से हमको कॉपी करेंगे। जैसे इनेबल करेंगे ना, वो कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए, इसको ब्लू कलर रख देते हैं ऊपर वाला, नीचे वाला को ब्लैक। और इस तरह से अटैचमेंट कर देना है और दोनों को भी मर्ज कर सकते हैं। और नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बार बार आप लोग को इस तरह से सेटिंग करना पड़ेगा और मर्ज करने पर दोनों एक साथ एक काम हो जाता है। और चलिए इसी तरह से आप लोग भी सेटिंग करना, फॉलो करना, वीडियो को स्किप ज़रा सा भी नहीं करना, नहीं तो आप लोग दिक्कत हो जाएगा, इस तरह से एडिटिंग नहीं हो पाएगा। मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे आप लोग को सेटिंग करना है। पिक्सल लैब में, ये पिक्सल लैब से एडिटिंग कर रहा हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। इसका कलर को हम लोग चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली रेड हो गया। और इसको भी 100 कर सकते हैं, वेवल को भी 32 या 30 रख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। हमेशा ये 270 या 280 रखिए, ये बेटर आता है, बेटर रिजल्ट। और इसमें फिर से हम लोग PNG ऐड करेंगे और इसको ब्लू कलर रख देते हैं। सेम पोजिशन उसी तरह कलर चेंज होता है। 90 डिग्री रख देता हूँ यहाँ, जैसे कम करता हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए 90 डिग्री रख देता हूँ इसको। इसको 100 कर सकते हैं। और ऑब्लिक में क्लिक करके 1 रख देना डेट को। और इसको भी 270 या 280 उतना ही रखना है, तो उतना ही रख देते हैं। गैस इतना फ़ोन काम नहीं कर रहा है, शेडो को भी इसी तरह से 10 रख देना है। और इसको कॉपी करना है और इसको राइट साइड लेके जाना है, इस तरह से हो जाएगा। और इसको डन, उसके बाद एक सेव ऑप्शन में क्लिक करना होगा। रेडियस को भी 100 कर दिया हूँ और ओपेसिटी को कम कर 0, और स्ट्रोक को 10 या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसको जितना मोटा चाहिए ये लाइन, उतना आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने रख दिया इसी तरह से। और इसका ऑब्लिक इतना रख देना है, एम्बोस में क्लिक करके ये इनेबल कर देना। उसके बाद ही ये 90 डिग्री रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 100, इसको भी 100, और इसको 41 रख दिया हूँ। फिर से इनेबल करता हूँ ये, ऑब्लिक में क्लिक करके डेट को 1, और नीचे आएंगे और 270 या 280 रखना है इसमें। चलिए मैं रख देता हूँ 270। उसके बाद दोनों को रख देना है, लाइट एंगल है ये, तो इसी तरह से मैं रख दिया। इसको शेडो को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 10, 15, 20 इतना भी चलेगा ये। और इसको जैसे मर्च करते हैं, कोई बोलता है कि मर्च करो कि अच्छा होगा, उसे कोई मर्च कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें आसानी से हो जाता है काम। इसी तरह से आप लोग भी करना है, जैसे सेटिंग कर रहा हूँ उसी तरह से आप लोग सेटिंग कर देना है। आपका लोगो एकदम परफेक्ट बन जाएगा HD क्वालिटी में। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस, मेहनत बहुत लगता है इसमें। देखिए मैं इसको इनेबल कर दिया शैडो को, इसको
इनर शेडो को ये इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, इसलिए इसको मैं हटा देता हूँ। और ये पंख वाला ऑप्शन शेडो में जाके ये भी 4 या 5 रखना, काफ़ी अच्छा दिखेगा। तो सेम उसी तरह इसको भी 5, ये 4 मैंने रखा था, फिर से 1 बढ़ा देता हूँ, 5 हो गया। एक किंग वाला ऑप्शन, एक किंग वाला PNG भी 10 रख दिया हूँ इसका। और एक बाकी है ये सर, हम लोग लॉक कर देते सबसे पहले। सॉरी गाइस, एक पंख हट गया था। यहाँ से लिख देता हूँ अपना चैनल का नाम, उसके बाद थोड़ा इधर स्पेस देना है। यहाँ से मैं अपना चैनल का नाम लिख दिया हूँ, उसके बाद आप माय फाउंड में जाते हैं। यहाँ से कोई सा भी फाउंड को सिलेक्ट करना है, मेरे को करना है ये बोल्ट वाला। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये साइट हो गया ऑफिशियल। तो थोड़ा इसको स्पेस देके सेंटर में लाना है, तो इसको एडजस्ट करना है। उसी तरह से आप लोग भी कर सकते हैं। और किसी का ऐड नहीं हो रहा था फॉन्ट तो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर इसका सोल्यूशन में बता सकता हूँ। और इसी तरह से इसको 3D वाला ऑप्शन इनेबल कर दिया है, ऑब्लिक में क्लिक कर दिया, डेट को 1 रख दिया है। उसके बाद नीचे आते हैं, तो वैसे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा से इधर एडिटिंग हो गया है। अभी शैडो को मैं ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं इसी तरह से। और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है इसको, और यहाँ से क्रॉप करके 2 बैक, देखिए ये पीछे चला जाएगा ये बैकग्राउंड, और ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। इसी तरह से आप लोग HD क्वालिटी का लोगो बना सकते हैं पिक्सल लैब में। तो गाइस, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और इसी तरह का नए नए वीडियो मैं लाता रहूँगा एडिटिंग के रिलेटेड, लोग सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही आप लोग 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस आप लोगों को। और इमेज को सेव करने के लिए 3 डॉट दिख रहा है ऊपर में, तो उसमें क्लिक करना है गाइस। उसके बाद एक्सपोर्ट इमेज में, और ये डिफ़ॉल्ट दिख रहा है, इसको क्वालिटी को अल्ट्रा में रखना है, उसका सेव हो जाएगा अपना फ़ोन की ग्लेयर में। मिलते हैं अगले वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।